नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में चुनाव के बाद स्थिति बार बार नाजुक होती जा रही है। बीते दिनों भी मेरठ, मवाना और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना रहा और अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में पार्किंग को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि बात मंदिर तोड़ने तक जा पहुंची। जी हाँ, महज स्कूटर खड़ा करने को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि देखते ही देखते उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया और इसका सिला ये हुआ कि क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि दुर्गा, शिव, राम और हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं की झांकियों वाले दुर्गा मंदिर में देर रात तोड़फोड़ की गई और बताया ये भी जा रहा है कि ये मंदिर काफी सालों पुराना है, लगभग 100 साल पुराना। आपको बता दें कि यह घटना रविवार रात हुई, जिसके बाद सोमवार को पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरे मामले की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह घटना रविवार देर रात की है। आज मोहम्मद नामक युवक एक इमारत के बाहर अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था। इमारत के एक निवासी संजीव गुप्ता ने इस पर आपत्ति जताई, जिसकी एक खाने पीने की दुकान है। गुप्ता की पत्नी का कहना है कि जब उसके पति ने स्टॉल के पास स्कूटर खड़ा करने पर आपत्ति जताई तो मोहम्मद वहां से चला गया, लेकिन बाद में वो और व्यक्तियों के साथ दोबारा आया। बताया जा रहा है कि उन सभी ने शराब पी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने गुप्ता के साथ बदतमीजी की, साथ ही साथ उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर मौजूद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर साकिब ने जो बात बताई है वो थोड़ी सी अलग है। उसने बताया कि मोहम्मद की पिटाई की गई, ना कि गुप्ता की, और थाने में इस मामले को दर्ज कराया जा चुका है। तो वहीं आकिब हसन का कहना है कि स्कूटर पर हुए इस विवाद के दौरान गुप्ता ने मोहम्मद से कहा कि वो अपने स्कूटर को वहां से ले जाए वरना उसको आग लगा दी जाएगी, जिसके बाद झगड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो गया। साथ ही साथ दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर दिया और मोहम्मद और गुप्ता दोनों को पुलिस थाने ले जाया गया। साकिब ने इस बात का दावा किया है कि जब मोहम्मद और गुप्ता थाने में थे तभी कुछ अज्ञात व्यक्ति मंदिर वाली गली में आए और उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया और आपको बता देते हैं कि मंदिर दुर्गा मंदिर वाली गली में मौजूद है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भीड़ कल रात 12 बजे आई और उसने मंदिर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सोमवार को मंदिर में तोड़फोड़ के निशान भी देखे गए। इसमें मंदिर का शटर क्षतिग्रस्त है, साथ ही साथ मूर्तियां भी टूटी हुई दिखाई दे रही है। ये मसला इतने पर ही नहीं थमा बल्कि दिन के समय दोनों पक्षों ने नारेबाजी की, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता चला गया। मौजूदा हालातों की बात करें तो फिलहाल गली दुर्गा मंदिर में उस इलाके की पुलिस मौजूद है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की अन्य थानों से आई पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। लालकुआं बाजार रोड पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पैरा मिलिट्री की कुछ कंपनियों को इस इलाके में तैनात किया गया है। पुलिस ने मोहम्मद को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। नमस्कार।